हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आए हो तो सारे भाई अच्छे होंगे। गोल्ड डिगर वीडियो के लिए बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए, तो आप लोगों की फरमाइश पे गोल्ड डिगर वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है। आप लोगों को वीडियो खूब पसंद आएगी, और वीडियो का कौन सा पोर्शन आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप लोग जानते हो यार कि जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं तो गर्मी में भी निकलते हैं, धूप में भी निकलते हैं, तो इसकी वजह से हमारे स्किन पे काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि मेरी स्किन पे ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं है, जिसका रीज़न है ये मुस्टैंग का हर्बल स्किन लाइटनिंग ऑयल। मैं आप लोगों को ये ऐसे ही रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको यूज़ किया हुआ और काफ़ी समय से यूज़ किया। बोतल खोलूँगा तो आपको नजर आएगा कि काफ़ी बोतलें खाली हो चुकी, मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ, और इवन जब शूट पर जाता हूँ तो उससे पहले भी मैं इसको यूज़ करके जाता हूँ। अब इसमें क्या कि सबसे पहले मैं आप लोगों को यूज़ करने दिखा देता हूँ। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि इसकी 2-3 ड्रॉप लीजिए, जिससे मैंने 2-3 ड्रॉप ली और अपनी हथेली पे लगाई। ठीक है, ये हर तरह से नेचुरल है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। आप लोग इसके बाद अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करें, नेक पे भी लेके जा सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि दोस्तों मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, और हल्दी, इनका जो जो ऑयल है वो निकाल के इसके अंदर डाला गया है। तो ये क्या है कि जैसे आप लोग इसको अप्लाई करोगे तो तुरंत ये आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होना चालू हो जाएगा। तो जैसे ये अब्जॉर्ब होगा तो जो आपकी स्किन होगी उसको दोस्तों अंदर से लाइटनिंग करेगा। तो आप लोग क्रीम वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है कि यार क्रीम है ना, एक बार आपके फेस पे लेयर चढ़ा देगी तो आप जैसे मुंह धोते हो फिर से आपका मुंह खराब हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज है, हर्बल चीज है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आपका भाई आपको कभी कोई गलत चीज रिकमेंड नहीं करेगा, तो यूज करके देखें और मेरे को बताना कि आपका रिजल्ट ये कैसा, और मेरे को बताना कि रिजल्ट अच्छा है। तो यार काफी देर हो गई, फोन करे आई नहीं अभी तक, आई थिंक आने वाली है। अरे उधर लियो कैमरा, आगे आगे भाई, वो उधर लियो यार। ये तो पटोला है तकड़ी यार, बहन जो ऐसी गर्लफ्रेंड है जो मेरी, मेरे को पता ही नहीं था। हाय, दिक्कत तो नहीं हुई कुछ आने में? आई एम सॉरी यार, आपको नहीं बैठो। हाँ। क्या ऑफिस से ही हो डायरेक्ट? हाँ, बस ऑफिस से। चलो बड़े, मेरे को लगा कहीं और से आई हो। नहीं, कहीं और से। और सुनाओ, ठीक हो? हाँ जी भैया। आज मेरे का फोन आया था कि मेरे लिए पैसे देने आने वाला हूँ। हाँ जी आया था। चलो सही है, अच्छा। अच्छा ये था आपका बकाया पहले, अब ये पकड़ रहा यार मुझे काफी जिम में, ये तो मेरे निकल गए 50-50। और सुनाओ मैम, आपको दिक्कत तो नहीं है अगर थोड़ी देर बैठ के बात करें 5-10 मिनट? नहीं नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और कैसे, स्कूटी से आई हो? कैसे आई हो? स्कूटी से। यार तुम मतलब माल हो यार तुम, सॉरी यार मतलब निकल रहा है देख के यार कुछ भी मेरे मुंह से, कोई बात नहीं। मतलब अच्छी लग रही हो यार, काफी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। और रिलेशनशिप कैसे चल रहा है तुम्हारा? बढ़िया, ठीक ठाक। बढ़िया चल रहा है क्या? मतलब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा? नहीं अच्छा है, मतलब सही है, ठीक ठाक। अच्छा पैसों को लेके कुछ अनबन हो गई थी, तो मैंने पता है वो मेरे को बह रहा था, कह रहा था भाई मेरे को ना इस साल मतलब इस महीने की पेमेंट नहीं मिली थी उसको ऑफिस से, तो बोला यार कि तुम दे देना अपनी तरफ से, तो मैं अपनी तरफ से दिया है तुम्हें। तो कोई जरूरी काम है मतलब कोई जरूरी बात? बस थोड़ा शॉपिंग वगैरह करनी थी। शॉपिंग के लिए? यार थोड़ी सी बंदे की मजबूरी तो समझो, बेचारा ऑफिस कर रहा है यार तुम्हारे लिए, आधा खर्चा तुम पे उड़ा देता है यार। और फिर भी इतना तो होना चाहिए ना। चलो हाँ, होना तो अरे तुम्हें पता है रिलेशनशिप में तो मैं भी था यार, मेरा तो झंड सी हो रही है लाइफ में। क्या हुआ? और तुम तो जानती ही नहीं होगी, खैर भूमि नाम की लड़की है मेरी रिलेशनशिप में। नहीं मैं नहीं जानती। तो वो मतलब पता है क्या, मैं ना प्यार करती है, खूब प्यार करती है, और मैंने एक गिफ्ट लेके आया था उसके लिए, इधर ही पड़ा है मेरे पास, अभी उसके पास जा रहा था मैं मिलने के लिए, तो मैं सोचा उसको देऊं, उससे पहले मैं किसी को चेक करवा लूं, तो मेरा दोस्त बोला कि यार उसी से चेक करो, तुमसे चेक करवा लूं। वाह जी वाह, तुम तो बहुत अच्छे, अपनी गर्लफ्रेंड को इतने महंगे। अरे ये तो छोटा सा है, ऐसे ऐसे देता रहता हूं मैं, देखो तुम कैसे लगे अच्छे वैसे। क्यों लग रहे तुम्हारे लिए बना था? पता नहीं आपको लग रहा है? सही में ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए बना हो ये। लग तो अच्छा रहा है, मस्त लग रही हो एकदम, टिप टॉप लग रही हो इसमें। तो मैं सोचा तो ले तो आया मैं उससे, पैसे लगा तो दिए इतने, पर मेरा देने का मन नहीं है उसको। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या यार, पूछ ही मत, तो पर्सनल। नहीं नहीं बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बताओ क्या प्रॉब्लम है? वो पता है मेरी गर्लफ्रेंड है ना,
मतलब बट नॉर्मल ठीक है रिलेशनशिप हमारा, लेकिन जब हम लोग पर्सनली मिलते हैं ना तो उसमें यार वो नहीं है, मतलब वो लाश की तरह पड़ी रहेगी, मैं कुछ भी करता रहूँ तो यार बहुत बुरा लगता है उसमें, क्योंकि एक दोनों तरफ से एनर्जी होनी चाहिए ना, तो फिर वो प्यार मेरे को अपनी तरफ से तो मैं फुल दिखा देता हूँ, वो उसकी तरफ से कुछ है ही नहीं, बहन जो मेरे को दिक्कत हो रही है उसमें यार, तो ये मेरे को रिलेशनशिप में भी फिक्का फिक्का एक वो है कि जैसे यार इंटरेस्ट सा नहीं आ रहा, ऐसा लगता है जैसे उसको मेरे लिए पजेसिव नहीं है वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं मेरे को दूरी होती जा रही है उससे। अब मैं मेरे देने का मन भी नहीं है उसको यार, मैं सोच रहा हूँ किसी और को गिफ्ट कर दूँ इससे अच्छा तो यार रिलेशनशिप हो तो ऐसा हो ना कि मतलब दोनों तरफ से पूरी की पूरी मतलब मजेदार चीज़ है, बात तो है। वो है ही नहीं यार उसमें, फिर क्या करूँ मैं, दे नहीं सकता मैं उसको यार, क्या इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें कैसे दे दूँ यार। वो बात तो है। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे तुम तो कमाल हो यार, मजाक मत करो यार, देखो तुम तो भाभी हो यार, सीरियसली बताओ क्या ख्याल है वैसे मेरे, तुम तो ओके हो यार, तुम्हारे बारे में किसी का ख्याल कैसे, तुम खुद पता कर सकते हो ख्याल तो यार, देखते मेरे तो आपकी खराब होगी तुम्हें यार, तुम तो रिलेशनशिप से मेरे पहले भी मेरे के साथ यार। नहीं वो छोड़ो, वो ऐसा कुछ नहीं है, वही पागल है मेरे पीछे बस, मेरे को प्यार नहीं है उससे कुछ। तुम नहीं करती क्या उसको? नहीं मैं नहीं करती कोई प्यार का यार, तुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए फिर, है तो तेरे पास सही है यार, वो बंदा अपनी कमाई लगा रहे तेरे ऊपर यार सारी, और फिर भी इतना तो बनता है, चलो फिर भी थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, तुम देखो अपनी गर्लफ्रेंड को इतने महंगे महंगे गिफ्ट देने जा रहे हो और इतना वो रखते हो। अच्छा उसमें वो नहीं है फिर भी चारा, हाँ। कमाता नहीं है ना इतना, मेरा तो क्या यार एक वीडियो के लिए इतना, मतलब फिर भी हर लड़के को चाहिए होता है, ये तो यूँ तो है नहीं कि किसी के भी लिए वो ऐसे वैसे। काश अभी तुम्हारी उधर शिकायत है, मेरी इधर शिकायत है, काश तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मतलब यार ये तुम्हारी होता, अगर तुम चाहो तो मैं बन सकती तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वो बात है मजाक की नहीं सच्ची, तुझे पता यार मैं तो दाग हूँ तुम चांद हो नहीं अगर तुम चाहो तो सही में, हाँ सही में यार, मैं तो कई दिन से लाइन आ रहा था अच्छा जी, पर यार कोई फायदा नहीं, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा आपके बारे में सोच के लिया है कि मैं बनाऊंगा ना उसको बनाऊंगा जिसके अंदर पूरी आग हो एक नंबर, तो मुझे नहीं पता यार मैं रिस्क नहीं लूंगा, मतलब तो मेरी गर्लफ्रेंड मतलब मेरे अंदर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लग रहा, देखने में तो आगे आगे लग रही हो यार, पता कैसे चलेगा मेरे ख्याल में क्या पता बुझ गई हो सारी अजमेर नहीं ऐसा हा? मतलब तो कैसा कैसा तो दिखाना पड़ेगा, दिखाओ मुझे, मुझे दिख नहीं रहा कुछ भी, मुझे तो खाली सा लग रहा है सब कौन सा खुशबू लगाई तुम, मतलब चढ़ रही है मैं अंदर यार कहीं यार क्या कर रही हो यार तुम, पागल हो अजमेर के साथ हो तुम, अजमेर के साथ हो तुम, अरे वो छोड़ो अभी अजमेर की बात कहाँ से बीच में आई, तो तुम हो ही उसके साथ यार, मैं क्या करूँ, तो अभी तो हमारी बातें हो रही है ना यहाँ पे, है अभी तो हमारी बातें हो रही हैं भी, इधर बैठ इधर बैठ गए यार, अरे तुम मैं, अरे वो आग नहीं आग आग नहीं दिख रही मेरे को यार, तुम्हें वो यार तुम मतलब वो धक्के से दिखाने को वो है नहीं तुम्हें यार, वो ही मेरे गलत में ऐसे थोड़ी दूंगा यार, ये आग ही नहीं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। कुछ कुछ हो रहा है अभी, आग नहीं दिख रही है कमाल, यार कुछ कुछ हो रहा है मेरे को, अरे हट इधर से, अरे हट ना यार क्या हुआ, तो पैसों के लिए इतना गिर जाऊंगा छोड़ी सुन गाल भैंस, पैसों के लिए तुम इतना गिर जाओगी क्या, सर मैं नहीं इतना गिर जाओगी क्या भैंस, उसमें क्या कमी थी बंदे में, सर मैंने या क्या बो, वो तो भैंस उधर कैमरा लग रहा है देख सामने, उधर देख, ओ यार सॉरी मैं मजाक कर रही थी, मजाक कर रही है स्वाद ले रही है यार सच्ची मैं, अरे उसने वो तो पागल ने मेरे को भेज दिया, बोला भाई तू जाके चेक करके कैसे निकलेगी, वो तो भैंस ये नकली काम कर रही है क्या यार, सॉरी मैं मजाक कर रही थी, ये कौन सा मजाक होता है ये भैंस, तू मेरे ऊपर चढ़ी कौन सा मजाक होता है यार, मेरे को नहीं कितने कितने रह गए थे तेरे पैसे, ले भैंस दौड़ दे दूंगा तू, ले नहीं यार ले ले उठा ले ले तेरे से जितने उठाए जाना ले यार, ले भैंस ले दोबारा से नहा ले इनसे यार, मैं मजाक कर रही ये भैंस कौन सा मजाक होता है यार, प्लीज उसको कुछ मत बताना मैं, अरे घंटा तुझे शर्म आनी चाहिए यार, तू भैंस मेरे साथ ऐसा ऐसा करने के लिए जस्ट एक इसके लिए ले डाल ले
तेरे अंदर तृप्ति होती है इससे, तो जैसे तो मिलता होता यार, मैं मजाक कर रही थी जस्ट। वो देखो कैमरा लगा, मैं उसको दिखा दूंगा क्या मजाक कर रही हूं, देख देख लेगा। सॉरी यार, यार उसको कुछ मत बोलना यार प्लीज यार। यार क्या मतलब कि यार, मैं यार तुम कर रही थी यार। अरे और ले ले तेरे को चाहिए तो भाई, वो बंदा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक महीने की तनख्वाह उसकी 15,000 से 20,000 के बीच में, वो आधे पैसे अपने घर वालों पे खर्च कर रहा है, आधे पैसे तेरे ऊपर खर्च कर रहा है। तेरे को अपनी शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, लेकिन तू ये नहीं सोच रही कि बंदे के ऊपर क्या बीतरी होगी। पैसे ऊपर होता है क्या हर चीज में? घंटा सो रही यार, तू ले उठा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, देख उधर से ऑटो मिल रहा खींच दे, उधर से ऑटो मिल रहा खींच, अरे चले जा यहाँ से, दिमाग खराब ना कर, चले जा, बैग उठा तेरा यार। प्लीज बात तो सुनो, क्या बात, मैं मजाक कर रही थी ऐसा। तेरा देख लिया मैंने मजाक, समझ गई, तेरा देख लिया मैंने मजाक। तेरा बैग उठा, प्लीज यार, तेरा बैग उठा, तेरा बैग उठा, चलो जाओ, तेरा बैग उठा, खींच दे। भाई पैसे उठा ले यार पहले, प्रैंक के बाद में बताऊंगा उसको। भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, मेरे को नहीं पता कैसी वीडियो गई, तुम बताना, कमेंट करना कौन सा पोर्शन अच्छा लगा। आई होप सो मजा आया होगा यार। सो फाइनली गाइज, कैसी लगी वीडियो, आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड कलर का बटन जो दिया गया उसको दबा दो, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन जो है मिल पाए आप लोगों को। और दोस्तों एक जरूरी बात, ये मुझटेक का हर्बल स्किल लाइटनिंग हुई, ऐसे ही आप लोगों का भाई आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप मेरे पहले की वीडियो और अब की वीडियो उठा के देख सकते हो, आपको फर्क पता चल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिया गया है, वहां से इसको परचेज कर लीजिए, अफोर्डेबल प्राइस में है तो आप आसानी से इसको परचेज कर पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी मस्ती के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, आराम, जय हिंद।